बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मुझे खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। और फाइनली आज मैं बनाने जा रही हूँ जंबो मिर्च के पकोड़े, जो बिल्कुल हमारे पास लार्ज साइज़ की मिर्च है, इस तरह से आप देख लें। तो इनके हमने बनाने हैं पकौड़े, और इसके लिए हमने जो सबसे पहले वर्क करना है वो ये है कि आप इस तरह की एक मिर्च ले लें, और अगर आपको इस तरह की मिर्च नहीं मिलती तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जो जंबू साइज़ की जो मिर्च होती है उसके पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन अगर आपको इस साइज़ में अवेलेबल नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, ये ले लें आप। और इसको आप जो है सबसे पहले कट कर लें, ये देखिए इस तरह से ले लें, और इसको आपने हाफ जो है कट करना है कि इसके अंदर आपने स्टफिंग भरनी है। तो इस तरह से आपने यूँ कर लेने, और इसके अंदर से जो ये बीज होते हैं, वैसे तो इस जंबू चट मिर्च में इतने बीज नहीं होते, लेकिन जो कोई भी आपको नज़र आए आपने उसको निकाल लेना है, और इस तरह से आपने सारी कर लेनी है। नाउ द सेकंड वन, ये देखिए ये इस तरह से जो है आप सारी कर लें। सारी जो है मैंने इस तरह से कर ली है, आप देख सकते हैं, और कुछ जो है मैंने बिल्कुल सेंटर टुवर्ड कर दी है इस तरह से, और इसके अंदर से भी आपने जो है ये जो इसके सीड्स हैं वो आपने निकाल लेने हैं, और ये सारी जो है अब आउट ऑफ सीड्स हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और नेक्स्ट स्टेप इसके जो मैंने ले ली है वो है 2 to 3 मीडियम पोटैटो, और जो है उनको मैंने अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ले लिया है रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है साल्ट, 1 पिंच मैंने लिया है टर्मेरिक पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून मेरे पास है क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर, और 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून मेरे पास है यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर। इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है, ये देखिए इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को आप इसके अंदर मिक्स कर, और ये अच्छे से मैश हो गए। और यहाँ पर आप ले रहे मैंने जो लिया है 1 टेबलस्पून विनेगर, यहाँ पर आप लेमन जूस भी ले सकते हैं, और इसको मिक्स कर लें आप अच्छे से, और स्टफिंग इज प्रिपेयर्ड। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप बेसन एज यू कैन सी, और यहाँ पे जो इन्ग्रीडियंट्स लिए उसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, जिसके साथ 1/2 टीस्पून आपने लेना है साल्ट, और 1/2 टीस्पून आपने लेना है टर्मेरिक पाउडर, और आपने क्यूमिन जो लेना है वो ऐसे साफ रखना, पाउडर नहीं लेना, और आप इसको इसके अंदर मिक्स कर दें इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को, और अब इसके अंदर मिक्स कर दें। और आप इसमें ले लें 1 टीस्पून विनेगर, और 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है गरम मसाला पाउडर, ठीक है इसको डाल दें, मिक्स कर दें, और अब आप इसमें पानी डाल के हल्का हल्का इसको बैटर बना लें। यहाँ पर ये बैटर बन चुके हैं, मैंने इसके अंदर पानी डाल के इसको डिजॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर आप ले लें 1 गिलास इस तरह से लॉन्ग जार की तरह, और ये सारा बैटर जो है आप इस ग्लास के अंदर डाल दें, और इस तरह से आप एक ग्लास में ये सारा मटेरियल भर के इसको साइड पर कर लें। और यहाँ पर हम ले लेते हैं अपनी चिलीज निमर्ची जंबो वाली, और अब इसके अंदर हम डालते हैं स्टफिंग, और यहाँ पर आप ये ले लें पोटैटो स्टफिंग, और इसके अंदर मिर्च के अंदर जो है अच्छे से डाल दें। इस तरह से जो है आप सारी चिलीज के अंदर ये स्टफिंग अपनी ऐड कर दें, एंड दिस इज़ द सेकेंड वन, और ये सारे इस तरह से आप ऐड करते जाएं। ओके, एज यू कैन सी स्टफिंग जो है कम्प्लीटली फिल हो चुकी है हमारी चिलीज के अंदर, आप देख सकते हैं इस तरह से। और अब आपने जो है इसको इस बैटर के अंदर डालना है, एक उठाएंगे आप इस तरह से आपने डिप करनी है फुल, ये देखिए ये, और अब आपने इसको पैन के अंदर डाल देना है, ये देखिए टर्न ऑफ सेकेंड वन, और इसको पैन में डाल दें, देख सकते हैं किस तरह से फ्राई हो रही है। अब आप जो है इसको टर्न ओवर कर लें, ये देखिए, और इस तरह से जो है आपने इसको फ्राई करना है। और अब हम थोड़ा सा और वेट करते हैं इनके प्रॉपर पक जाने तक। ये कंप्लीट फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं इसके अंदर,
फर्श को हमने डिश आउट कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये फुली प्रिपेयर्ड है, ये देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।